हैश टैग थर्टी ईयस ऑफ लॉकडाउन हैश टैग लेट्स ओपन बिहार लगभग जितने भी पोस्ट हैं पुष्पम प्रिय चौधरी के उन सभी पोस्ट के अंत में ये हैशटैग आपको जरूर मिल जाएंगे उनका साफ मानना है कि 30 सालों से बिहार जो है वो बंद पड़ा है और अब इसे खोलने का समय आ चुका है बिहार अब परिवर्तन के इंतज़ार में है और वो दिशा और दशा तय करेंगी पुष्पम प्रिय चौधरी लगातार वो जितने जिलों में यात्रा कर रही हैं उन सभी जिलों का विवरण लेकर लगातार हम आ रहे हैं परसों हमने आपसे सारन जिले का जिक्र किया था कल हमने वैशाली जिले का जिक्र किया था और आज हम बांका जिला पहुंच रहे हैं वहां पर जितने स्थानों पर वो गई हैं उस पर हम चर्चा करेंगे नमस्कार मेरा नाम उदितारायण है और एच बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है हमारे साथ फिर से इस सीरीज में आदेश पूरी हैं लगातार स्टडी कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं तो बांका जिला पहुंची हैं पुष्पम प्रियत चौधरी वहाँ के ततरिया गांव में पहुंचती हैं जहाँ पे सुषमा हेम ब्रह्म के घर पे वो रुकती हैं इसके बाद वो बुटुडी गांव पहुंचती हैं जहाँ पर वो कुकून का जिक्र करती हैं रेशम का जिक्र करती हैं और जो नुकसान हुआ है वहाँ के लोगों को रेशम इंडस्ट्री नहीं पनप पाया है इसका जिक्र करती हैं आदेश जी बताइए आप नाम सुने थे पहले बुटुडी गाँव का जिसका जिक्र पुष्पम चौधरी अपने पोस्ट में कर रही हैं नहीं मैंने तो ये भी नहीं सुना था कि बांका में रेशम की कृषि भी होती है और पुष्पम जो हैं वो जितने भी बातें बता रही हैं वो कोई नया नहीं है वो बिहार के मूल में है यानी कि सैकड़ों हजारों साल से जो है भागलपुर और उसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ रेशम की कृषि की, की जा रही है और ये वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे बिहार में भागलपुर एक रेशम का हब है और उसके बगल के जिले बांका में जो है ये कितनी पिछड़ी हालात में है और लोग जो हैं इसे छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और यहाँ अभी ज़रूरत है सरकार के द्वारा एक सपोर्ट की जी और ये संघर्ष कर रहे हैं आपको बताते चलें कि इनके कहने का मतलब है कि आखिर ये उद्योग जो है जिसमें काफ़ी संभावनाएँ हैं काफ़ी व्यापार होता है इसका पैसा है नाम भी है लेकिन सरकार ने इसे पुषअप नहीं किया अभी तक तीस साल में ऐसी स्थितियां बनी रही कि वो जो है अभी तक पिछड़े ही स्थिति में है महिला उद्योग की बात भी कर रही है कहीं ना कहीं रेशन का रेशन का जो रेशम का जो फैक्ट्री इंडस्ट्री लगेगा उसमें महिला उद्योग का जिक्र कर रही है देखिए रेशम तो महिला उद्योग उसमें ज्यादा महिला लोग ज्यादा जुड़ी होती है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो नीतीश कुमार हैं वो महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर देते हैं लेकिन वो शराबबंदी तक और दहेजबंदी और यहीं तक रहते हैं रोजगार के लिए नहीं कुछ करते हैं और ये जो रोज़गार जो स्पेशलाइड जो ज़िले का जो काम है जैसे कि बांका में आपने बताया कि ये काम करती हैं औरतें फिर से आप गया में देखिएगा तो वहाँ पर लेडीज़ जो हैं ज़्यादा वो बुनकर क्षेत्र में ज़्यादा काम करती हैं इस तरह हर एक जिले का एक स्पेशलाइजेशन है जो कि हमें पता चल रहा है ऐसे छुपे छुपे हुए प्रतिभा हैं और संभावनाएं हैं बिहार में जिसको उजागर करने की ज़रूरत है और लगातार ये अपनी यात्रा के दौरान बताते चल रही हैं कि या तो वैसे चीज़ जो कि पहले डेवलप थे वो आज खराब स्थिति में है सरकार के बेरुखी के कारण या फिर जिसकी संभावनाएं हैं है, उस पर सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान नहीं दिया कि वो ऊपर आए उपर और अपने आप को साबित कर पाए कि इस क्षेत्र में भी और इस इलाके में भी इस चीज़ को लेके काफ़ी संभावनाएं है।, है जी आपने बंदी की बात की दहेज में अमूमन ये देखा जाता है कि चांदी की मछली दी जाती है और एक ऐसे ही जगह पहुंचती हैं मणिया क्षेत्र में पहुंचती हैं बांका जिला के जहां के लोगों का ये स्पेशलाइजेशन है कि बड़ी खूबसूरत वो चांदी के की आकृति की मछली बनाते हैं बर्तन बनाते हैं वहां भी वो पहुंचती हैं और वहां पर गांव वालों का जो कहना है कि आज तक कोई मदद उन्हें सरकार से नहीं मिला है गाँव वालों ने यह भी कहा कि पिछली बार जब जिला अधिकारी पहुंचे थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इस पर कुछ काम किया जाएगा पर जमीनी स्तर पर इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है तो मछली का जो चांदी किसे बनाया जाता है उसमें आप क्या स्कोप देखते हैं और कितना सही उतर रही है में देखिए मछली का जो आप बात किए हैं हम लोग तो देखते थे जो बड़े बड़े ज्वेलर्स के दुकान होते हैं हम लोग समझते हैं कि उसीगर बनात, बनाते कारीगर बनाते होंगे लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये गाँव में चांदी का इतना वर्क होता है ये। तो ये तो बिहार में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं और इसको अगर वो बात कर रही है बार बार वो बोलते हैं कि बिहारी डीएनए बहुत कुछ है बहुत तेज है वही तो हमें भी पता चल रहा है कि बिहारी डीएनए जो कि हमको कल हमने बात किया था वैशाली में जो पीतल का काम चलता है मूर्ति कला का काम चलता है अभी देख रहे हैं रेशम का है फिर से चांदी का मछली बनाने का तो शिल्प उद्योग जो है बिहार में इसका मतलब कि शिल्प उद्योग जो है काफ़ी समृद्ध अवस्था में एक समय में जरूर होगी क्योंकि उसके जो है अभी तक अवशेष मिल रहे हैं और इसको जो है लॉकडाउन वो बता रही हैं तीस सालों का लॉकडाउन कर रही कह रही हैं तो इन तीस साल में उन पर साफ़ ध्यान नहीं दिया गया और उनका ये कहना है कि अगर वो आगे आती हैं तो ये जो प्रतिभा है बिहार का जो स्पेशलाइजेशन विशिष्टता है धरोहर है इसको वो मेन फोकस पे रखेंगी इसको आगे करेंगी विश्व के मार्केट से जोड़ेंगी और लोगों के बारे में जानकारी देंगी कि भाई बिहार के एक सुदूर गाँव में इतना कुछ प्रतिभा है और कलाकारी है शिल्पगिरी है जो कि किसी को पता नहीं उसका को? जो नाम है वो बड़े बड़े इंडस्ट्री और बड़े बड़े दुकानदार अपने ऊपर ले जाते हैं आपने रेशम की बात किया हम लोग समझते हैं भागलपुर का रेशम जो बड़े बड़े वहाँ के जो इंडस्ट्री हैं वही अपने नाम पर सब कुछ कर लिए हैं ये मछली का बात कर रहे हैं आप तो हम लोग समझते हैं कि ये तो बड़ा बड़ा ज्वेलर्स हैं उनके कारीगर बनाते होंगे हो सकता है वहीं से उठाते हों वो लेकिन उसको छुपा कर रखे हैं जानकारी नहीं है तो बिहार में विरासत है आप ही सोचिए ना मैं एक बात का हमेशा जिक्र करता हूँ कि उन्नीस सौ नब्बे से पहले या आज़ादी के समय तक बिहार एक विकास एक कहा जाए तो औद्योगिक और विकसित राज्य था एक अच्छा राज्य था जहाँ औद्योगिकृत था ये और उसमें पलायन नहीं था उस समय उतनी बड़ी बेरोजगारी और गरीबी की समस्या अभी इतना नहीं थी जटिल तो आखिर वहाँ उस समय लोगों ने यहाँ पर अपने निजी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग किया था उसके अनुसार इंडस्ट्री बनाई थी और उसके लिए मार्केट जरूर होगा लेकिन बाद में ये जो भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक जो पॉली प्रोसेस हुआ उसमें इसको साइड कर दिया गया और पूरा जो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो जाति धर्म करप्शन करप्शन उसके बाद है दो बुरा अनाज आपके खाते में पैसा चला जाएगा आपको कंपलसेशन दिया जाएगा आपको नहीं भत्ता दिया जाएगा मीन्स लोग को क्षणिक छोटा साथी देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं की गई उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया उनको जो है आगे बढ़ने के लिए आधारभूत जो संरचना है उसका निर्माण नहीं किया गया और यही कारण है कि बिहार पिछड़ा हुआ है गरीब है और यहाँ से पलायन बढ़ता है तो वो जो है मामले की जड़ में जाना चाहती है क्योंकि इससे जो अगर अगर ऐसा सचमुच में हो जा रहा है तो बिहार जो है आत्मनिर्भर बिहार बन जाएगा एक और जगह पहुंचती हैं सिमरक फैक्ट्री का जिक्र करती हैं जिसका निर्माण जो है वो उन्नीस में शुरू हुआ था बत्तीस एकड़ का जमीन उसे उपलब्ध कराया गया था बिहार सरकार के द्वारा जो उस समय सरकार थी बिहार में रशिया से मशीन मंगाया गया था उन्नीस से आज छत्तीस साल बीत चुके हैं बिहार सरकार के और उन सभी सरकारों के सवाल के चेहरों पर एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार छत्तीस साल में वह फैक्ट्री सिमरक फैक्ट्री शुरू क्यों नहीं हुई और वो भी बांका जिला में ही जगन्नाथ मिश्रा से लेकर लालू प्रसाद यादव फिर राबड़ी देवी और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो सवाल पूछना चाहती हैं छत्तीस साल में बत्तीस एकड़ जमीन बर्बाद हुआ करोड़ों की मशीन आई थी रशिया से वो बर्बाद हुआ फैक्ट्री शुरू नहीं हुई पर पुष्पम प्रिय चौधरी हैं और क्यों ने क्यों नेता नहीं देखिए एक होता है विजन तो आप समझ सकते हैं कि अभी 2020 में किसी भी नेता का ऐसा विजन नहीं है कि वो सिरामिक फैक्ट्री लगाने का किसी बिहार के जिले में सोचे उन्नीस सौ में लगा उसके लिए उन्होंने रशिया से तब मशीन मंगाया कि आप उस समय के लीडरशिप को सोचिए कि वो कितना प्रोग्रेसिव था कि वो आज से छत्तीस साल पहले सोचा कि यहाँ पर सिरेमिक का फैक्ट्री लग सकता है और इसके लिए उन्होंने संसाधन जुड़ाया जुटाया उसके लिए लेकिन मैं तो दुर्भाग्य ही मानूंगा और मुझे आज सुन के बहुत आश्चर्य लग रहा है कि इतने प्रोग्रेसिव फैसले लिए गए उतने साल पहले और ये वर्तमान सरकार जो है रोना रोती है कि हमारे पास पैसा नहीं है कोई औद्योगिक कंपनियां नहीं निवेश कैसे आएंगी निवेश करने आपके यहाँ आपने छत्तीस साल तक लोग एक जो है इंडस्ट्री uh, में आपको शुरुआत ने आपने नहीं किया मशीन ला के सड़ा दिया आपने कैसे कोई दूसरा आएगा वो तो इतिहास देखता है ना कि यहाँ पर इंडस्ट्री या क्या स्थिति है पहले क्या स्थिति था सरकार ने क्या संरक्षण दिया सरकार ने आपको क्या सहूलियतें दी टैक्स यहाँ पर लोग समझता है कि बस टैक्स छूट दे देंगे और जमीन अलॉट करा देंगे उससे नहीं होता है उसके लिए एक जो है पूरे उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है वो विशिष्ट क्षेत्र चुनना होता है जहाँ से आपको रॉ मटेरियल और काम करने वाले लोग मिल जाए और मार्केट वैसा मिले तो यहाँ पर अभी सरकार के पास कोई विजन नहीं है मुझे तो आश्चर्य हो रहा है ये सब देखकर कि हमारे जो थे जो बिहार के शुरुआती लीडरशिप था उनके पास विजन था और आज के नेताओं से ज्यादा अच्छा विजन जी जी, था। जी आप और यही बात पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं ये अपने जो घूम रही हैं यही सब चीज निकाल कर बाहर ला रही है ये हमको बहुत पॉजिटिव लग रहा है जी दर्शक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे पुष्पम प्रिया चौधरी उस फैक्ट्री तक गई हुई हैं वहाँ पर वहाँ के लोगों से बात कर रही हैं उसके आगे बढ़ते हैं तो चांदन नदी के ऊपर जो पुल बना था जो खुल्लम खुल्ला धंस जाता है उसका भी जिक्र करती हैं बालू माफिया और जो बालू खनन का धंधा है बिहार में उसके ऊपर बड़ा हमला बोला है पुष्पम प्रिय चौधरी ने क्या कहना है बालू माफिया वहाँ भी मौजूद है और उसको टारगेट कर रही हैं पुष्पम प्रिय चौधरी देखिए दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में पिछले तीस साल में कुल माफिया ही पैदा हुए हैं वो बालू माफिया हो शराब माफिया हो शिक्षा माफिया हो ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया हो माफिया ही पैदा हुए हैं तो और बालू जो है वो तो क्या बोला जाए कि अभी तो सबसे बड़ा उसमें माफियागिरी चल रही है आप कोलवर की बात करें देखिए एन है चाहे बिहार की जो प्राकृतिक विरासत है उसे बचाने की ज़रूरत है क्योंकि यही विरासत जो है आपको एक सफलता की ऊंचाई पर ले जाती है और उसका जो है सही योजनाबद्ध तरीके से उसका संचालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अब ये हम बालू का सोच रहे हैं सुन रहे हैं तो अब बालू खनन के कारण ही वो पुल नहीं बना जी। और जिसके कारण बांका में है दो बताया जा रहा है कि दो हिस्सों में वो शहर वो जिला बट गया वो तो दुर्भाग्य की बात है और जो भी इस पर ध्यान आकृष्ट कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और करना भी चाहिए जी, चूना अबरक नाम आप सुने होंगे चूना अबरक कंस्ट्रक्शन का के काम आता है उसके खदानों का जिक्र कर रही है जो बांका जिला में है मैंने भी पहली दफा ये सुना है उनका कहना है कि झारखंड बटने से जितने मिनरल थे जो प्राकृतिक संसाधन थे वो सब झारखंड नहीं चले गए बल्कि बिहार में भी है और बांका जिला में चूना और अवरक काफ़ी मात्रा में मिलता है आप कितना सहमत हैं और क्या आपको जानकारी थी इस बात की देखिए इतना तो मुझे पता था कि रोहतास में और गया में और बांका में है कुछ मिनरल्स लेकिन चूना और अवरख के बारे में नहीं पता था लेकिन एक बिहार में खान एवं भूतत्व मंत्रालय है लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास एक ही बहाना रहता है कि हमारे पास क्या है सब तो चला गया झारखंड में जी। तो और सबसे बड़ा बात है कि ये जो इलाके हैं ये ऐसा नहीं है कि झारखंड में चले गए वहाँ पे हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए और अभरक जो है इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और उससे जो है हम उसका भी प्रोडक्शन कर सकते हैं जी। तो ये सब संभावनाएँ हैं और इसका सदुपयोग वर्तमान सरकार ने नहीं किया है और पुष्पम जो हैं इसे दिखा रही हैं तो हम ये आशा करते हैं कि उनको या फिर जो भी नई सरकार आए इन सब चीज़ों पर ध्यान दे और इसका सदुपयोग करे उसे पड़े रहने न दे तो ये इनका जो यात्रा है ये सचमुच में जो बिहार की बहुत सारी विरासत हैं और छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं इसको बताने का काम कर रही हैं इसको आगे करने का काम कर रही है और इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है लोगों को भी और सरकार को भी तभी बिहार का प्रोग्रेस होगा और आत्मनिर्भर बनेगा हर एक व्यक्ति के पास अपना काम होगा अपना रोज़गार होगा आप सरकारी नौकरी में बार बार कह रहा हूँ आप सभी लोगों को नहीं दे सकते हैं साढ़े सात करोड़ के आसपास यहाँ का युवा जो पच्चीस साल पचीछ से कम उनका का है? है उनको कौशल विकास करने की ज़रूरत है और आपके हर एक क्षेत्र में एक हुनर है एक प्रतिभा छुपी हुई है जो हजारों साल से चली आ रही है और अभी की सरकारों ने उसे दबा के रखा है ना बताया है ना पढ़ाया है और न ही उसे आगे किया है क्योंकि उनका लक्ष्य उसे डेवलप करने का है ही नहीं तो सचमुच में मैं भी मानता हूँ तीस साल से लॉकडाउन लगा हुआ है जी। तो बिहारपुरी भी मानते हैं तमाम बिहारी जो है वो भी मान रहे हैं लगातार समर्थन दे रहे हैं पुष्पम प्रिय चौधरी को सोशल मीडिया पर उनके साढ़े तीन लाख से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते रहते हैं आखिरकार तीस साल से जो लॉकडाउन लगा है कुछ सवाल हैं जो पुष्पम प्रिय चौधरी पूछ रही हैं कुछ सवाल हैं जो बिहार के युवा पूछते हैं अपनी सरकार से कि आखिरकार इन सभी जगहों पर जहां पुष्पम प्रिय चौधरी पहुंचती हैं बिहार सरकार क्यों नहीं पहुंचती अगर पुष्पम प्रिय चौधरी को भविष्य में चुनाव लड़ती हैं चुनाव जीतती हैं चुनाव हारती हैं ये बात का मुद्दा होगा ये चर्चा का विषय हो सकता है पर उनके द्वारा जो अवेयरनेस दिया जा रहा है बिहारी यूथ्स को हमारे जैसे युवाओं को ये बेहद ही रोमांच पैदा करता है कि आखिरकार हजारों साल की जो सभ्यता है बिहार की उसका जो अभी भी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं बिहार के अलग अलग गांवों में देखने को जरूर मिलता है कल एक और यात्रा के साथ आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे तब तक के लिए इतना ही आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया